हेलो दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डीसी मोटर से ब्लूटूथ स्पीकर। ये स्पीकर कैसे बनता है वीडियो को पूरा देखते रहिए। और इस डीसी मोटर से हम ब्लूटूथ स्पीकर बना के बताने वाले हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर 100% रियल है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आया तो। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डीसी मोटर्स है। चलो इसको बनाते हैं। इन सभी डीसी मोटर को हम इस डैप्रॉन सीट के ऊपर लगा देंगे, इस तरह से फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। एक एक करके हम सभी डीसी मोटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, एक ऐसे फिर एक ऐसे, इस तरह से हम चिपका लेते हैं जल्दी से। इसको चिपकाने के लिए हम डबल साइड टैप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके सभी को चिपका लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं हम। ध्यान से इस टैप को काटिए, आपको लग ना जाए। इस तरह से हमने इसको काट लिया है और मोटर के ऊपर इस तरह से इस टैप को लगा देंगे और इसके ऊपर के कवर को हम निकाल देंगे अच्छे से। और एक डैप्रॉन सीट लेंगे, हमने पीस कट कर लिया है छोटा, और इस तरह से इस डीसी मोटर को इधर चिपका लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सभी डीसी मोटर को चिपका लेते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके हम सभी डीसी मोटर को चिपका लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हम चिपका लेंगे ऐसे, और इस मोटर को इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से हम सभी डीसी मोटर को आपस में चिपका लेंगे टैप निकाल के। दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने सभी डीसी मोटर को चिपका लिया है, और इस तरह से हम इधर भी डीसी मोटर लगा लेंगे सभी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने सभी डीसी मोटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हम वायर लेंगे और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसे सभी को इस तरह से वायर कनेक्ट करके दोनों वायर निकाल देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास है ये वायर। इन वायर को छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे और इस तरह से हम सभी डीसी मोटर को सोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, इन सभी वायर को हमने सोल्डिंग कर लिया है। अब हम एक एक करके सभी को सोल्डिंग कर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। सभी मोटर को सोल्डिंग करने के बाद हमारा स्पीकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली हमने सभी डीसी मोटर को सोल्डिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको सोल्डिंग किया है। ये पैरेलल में सोल्डिंग है, आप देख सकते हैं प्लस माइनस इस तरह से हमने इन सभी को सोल्डिंग करके दोनों वायर निकाल दिए हैं। ये सीधे स्पीकर में जाएगी। ये पूरा स्पीकर है डीसी मोटर का। ये दोस्तों किस तरह से काम करता है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस मोटर को चलाने के लिए हमें ये कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये है ब्लूटूथ कंट्रोलर, आप देख सकते हैं इधर स्विच लगा हुआ है, और ये चार्जिंग का। सबसे पहले हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं ये दोनों, ये ब्लैक और ये वाइट, ये दोनों स्पीकर के वायर है और ये दोनों बैटरी के वायर है। इस तरह से जल्दी से हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो दोस्तों, फाइनली हमने सभी वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं सभी को। आप देख सकते हैं ये वाइट वाला वायर स्पीकर का, ये दोनों वायर है और ये दोनों वायर बैटरी के। इस तरह से इसको बाहर निकाल देंगे। इन दोनों वायर को हम इस हमारे मोटर स्पीकर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम ये रेड वाला वायर वाइट पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसको चलाने के लिए हम 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, फिर आपको सुनाते हैं किस तरह से ये काम करता है, हमारा होममेड डीसी मोटर स्पीकर। ये है दोस्तों एक ब्लूटूथ स्पीकर, आप देख सकते हैं इस तरह से स्पीकर काम करता है। ये इसका सर्किट है दोस्तों, इस तरह से लगाने पर ये काम कर रहा है। और दोस्तों, ये है हमने बनाया हुआ स्पीकर डीसी मोटर का, इस तरह से आप देख सकते हैं इसको हम चलाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारा
ब्लूटूथ स्पीकर बंद कर रेडी हो चुका है, अब हम इसको ऑन करते हैं। स्विच को हमने ऑन कर दिया है, लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम स्पीकर के टेस्टिंग करते हैं, कोई हम सॉन्ग प्ले करते हैं दोस्तों, किस तरह से ये सॉन्ग प्ले हो रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है डीसी मोटर स्पीकर, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहुत ही अच्छा साउंड जनरेट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एकदम रियल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक ले जाएंगे भारत।